फाइनली उन लोगों के लिए गुड न्यूज आ गई है कि जो लोग प्यासा कुएं का इंतजार कर रहा हो वैसे फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का इंतजार कर रहा था। कहां से आते हैं? फाइनली फिल्म फेयर 2024 के अवार्ड हो चुके हैं और आ गई है विनर्स की फुल लिस्ट। बताएगा आपका भाई, पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पागल बॉलीवुड। इस बार फिल्म फेयर में बार्थ फेल और एनिमल मूवी का दबदबा रहा। बताएगा फुल विनर की लिस्ट, लेट्स गो। जहां बेस्ट टॉप फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड बार्थ फेल को मिला, वहां पर बेस्ट फिल्म ऑफ द क्रिटिक्स अवार्ड जोरम को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी बार्थ फेल वाले विधु विनोद चोपड़ा को ही मिला। तब बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल की बारी आई तो काफी सारे लोग कुर्सी से उठने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन माइक में अनाउंसमेंट हो गया कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का अवार्ड अपने एनिमल वाले रणबीर कपूर को मिला। जहां पर बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल का अवार्ड एनिमल की वाइफ, अरे रणबीर कपूर की वाइफ आलिया भट्ट को मिला रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स मेल का रोल विक्रांत मेस्सी को मिला बार्थ फेल के लिए और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स फीमेल का रोल रानी मुखर्जी को मिला मिस्टर चटर्जी वीएस नॉर्वे के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल के लिए विक्की कौशल को नवाजा गया अपनी फिल्म डंकी के लिए। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल फीमेल के लिए सबाना आजमी को मिला रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। धर्मेंद्र अवार्ड की बात कर ले तो बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य को मिला तुम क्या मिले सॉन्ग के लिए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट म्यूजिक एल्बम प्रीतम और विशाल मिश्रा एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर एनिमल मूवी के ही सॉन्ग अर्जुन वेल्ली गाने वाले भूपिंदर बब्बल को मिला। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल शिल्पा राव बेशरम रंग पठान के लिए मिला। यहाँ पर बेस्ट स्टोरी का अवार्ड OMG 2 अक्षय कुमार की OMG 2 को मिला अमित राय को। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा बार्थ फेल के लिए। बेस्ट डायलॉग इशिता रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। जहाँ पर बेस्ट एक्शन और बेस्ट VFX के लिए शाहरुख खान की जवान को अवार्ड मिला। बेस्ट कोरियोग्राफर गणेश आचार्य रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट डेब्यू एक्टर के लिए आदित्य रावल को अवार्ड दिया गया। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर तरुण दुड़ेजा रहे। बात करें तो सनी देओल की गदर, सलमान खान की टाइगर 3, शाहरुख खान की पठान जैसी फिल्मों को कोई अवार्ड नहीं मिला और ये फिल्म अवार्ड से वंचित रही। और इस फिल्म फेयर में कार्तिक आर्यन करीना कपूर जैसे स्टार्स ने परफॉर्मेंस दिया और फिल्म फेयर में 4 चांद लगा दिए। और आपको क्या लगा, आपको क्या लगता था कौन सी मूवी को कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पागल बॉलीवुड।